भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तीनों कानून आने के बाद जो दो किसानों से सीधे जुड़े हैं, तीसरा उपभोक्ता के रूप में पूरे देश से जुड़ा है, जिसके अंदर व्यवस्था जो चल रही थी उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ, और मैं अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज वो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके, और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं, और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए, और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए, जो आज तीनों कानून के द्वारा उजड़ने निश्चित है, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हो, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक सांझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का, और तीनों कानूनों को वापिस करने का काम करने के लिए आगे आए, और देश हित में, प्रदेश हित में अपने स्वार्थों को त्याग करके किसानों के हित में खड़े होकर के आज धरती पुत्र को बचाने का काम करें। इसलिए मैंने आज आपको ये निमंत्रण दिया था। साथियों, बाकी मुद्दे की बात तो अभी बहुत सी होंगी, क्योंकि आज तो शुरुआत है। आज तो केवल इतना है कि मैं तीनों कानून जो बने हैं, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स बिल हो, अगर उसके आप उद्देश्यों में जाएंगे तो उद्देश्य में किसान नाम का कहीं चीज नहीं लिखा। आज लोगों को केवल अध्यादेश बांटे जा रहे हैं, उद्देश्य उसके हैं ट्रेडिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसानों को मार दिया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर 1955 में संशोधन के काला बाजारी को और पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम किया इनके मैं खिलाफ, और आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं। यदि आपके माध्यम से आज हम आगामी लड़ाई किसानों की लड़ेंगे, इसके साथ मिलकर लड़ेंगे, कौन सी पार्टी? आज केवल मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं, मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, किसान मेरा धर्म है, किसान मेरा कर्म है, किसान मेरी जमात है, मैं इसके साथ खड़ा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो प्रदेश में महागठबंधन का राज है, आज उसको हम चलता करने के लिए किसान के साथ खड़े हों, आज केवल यही फैसला है, और शीघ्र ही जो भी फैसला हो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं। पार्टी फोरम पर जब मैंने बात की तो पार्टी फोरम के अंदर वही एक जुमलों की तरह बात की गई। जब मैंने कहा कि MSP जरूरी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा MSP की गारंटी देना जरूरी क्यों नहीं, MSP हम दे रहे हैं। मगर आप MSP दे रहे हो, आप ये कह रहे हो मंडी व्यवस्था नहीं टूटेगी, MSP नहीं टूटेगी, तो इसमें एक चौथा कानून ले आओ कि ना MSP टूटेगी ना मंडी व्यवस्था टूटेगी, इसमें दिक्कत क्या है? जब आप ये कह रहे हो कि ये चीज होगी, लेकिन अभी 13 अक्टूबर को प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक बयान छपा है बड़ा बयान कि MSP की गारंटी मांगना अव्यवहारिक है, और प्रदेश की सरकार निजी बाजार पर सदा अंकुश नहीं रख सकती।